हम विज्ञान और तकनीक के युग में जी रहे हैं। यहाँ हर रोज नए आविष्कार होते हैं। आज की वीडियो में हम आपको आधुनिक आविष्कारों के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इनमें से कुछ का यूज तो शुरू भी हो चुका है और कुछ अभी विकास के दौर में ही है, जो कभी भी आपके जीवन का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। गूगल ग्लास। गूगल ग्लास नॉर्मल चश्मे की तरह दिखता है, लेकिन ये स्मार्टफोन की तरह काम कर सकता है, जैसे पिक्चर्स क्लिक करना और वीडियो बनाना। इसके अलावा अगर आप SMS भेजना चाहते हैं तो आपको सिर्फ बोलने की ज़रूरत है और ये ग्लास आपके बताए इंसान को SMS भेज देगा। इस गूगल ग्लास पर आप मैप भी देख सकते हो और किसी भी जगह की जानकारी भी हासिल कर सकते हो। ये ग्लास मिनी कंप्यूटर की तरह ही है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ताजमहल को गूगल ग्लास पहने हुए देखते हैं और इसके बारे में कोई जानकारी पूछते हैं तो गूगल ग्लास वेब पेज से ताजमहल के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा और आपको आपके चश्मे पर जानकारी दिखाएगा। प्रेजेंट के टाइम में इस चश्मे का यूज सिर्फ इसके डेवलपर्स ही कर रहे हैं, पर बहुत जल्द ये पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएगा। लीप मोशन। वर्तमान युग टेक्नोलॉजी का युग है और जहां टेक्नोलॉजी की बात हो रही हो वहां कंप्यूटर का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। कंप्यूटर के युग में इस नई खोज का नाम है लीप मोशन। लीप मोशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम माउस को टच किए बिना अपने हाथों से ही कंप्यूटर को चला सकते हैं। हम जैसे जैसे अपने हाथ को मूव करेंगे कंप्यूटर पर माउस का साइन वैसे वैसे मूव होगा। इस टेक्निक से कंप्यूटर पर काम करना और भी आसान हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी अभी बहुत रेयर है और इसमें कुछ कमियां भी हैं, पर आने वाले कुछ सालों तक ये टेक्नोलॉजी सभी यूज कर रहे होंगे। थ्री डी प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में तो आप सब जानते हैं, लेकिन आपको 3D प्रिंटर के बारे में नहीं पता होगा। जहां एक नॉर्मल प्रिंटर सिर्फ 2D में ही प्रिंट कर सकता है, वहीं एक 3D प्रिंटर इससे एडवांस होता है और ये रियल ऑब्जेक्ट के तरह ही चीज़ों को 3D यानी 3D प्रिंट कर सकता है। 3D प्रिंटिंग में एक माइलिंग मशीन से धीरे धीरे एक ऑब्जेक्ट को तैयार किया जाता है, जिसे 3D प्रिंटिंग का नाम दिया गया है। इस प्रिंटिंग से कुछ छोटे ऑब्जेक्ट घर पर ही तैयार किए जा सकते हैं। ये प्रिंटर आधुनिक तकनीक का एक बेहतरीन नमूना है। गूगल ऑटोमेटिक कार। गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कार अब तक 11 लाख किलोमीटर तक चल चुकी है, वो भी बिना किसी व्यक्ति के। यानी हो सकता है कि गूगल जल्द ही आपके पास ड्राइवर लेस कार ले आए। इसे चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं होती, तो ऐसे में गाड़ी का मालिक आराम से पीछे की सीट पर बैठकर सफर का मजा ले सकता है। गूगल ये पहले ही अनाउंस कर चुका है कि वो पिछले कुछ सालों से अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार प्रोजेक्ट में लगा हुआ है। गूगल की ये कार भविष्य में ड्राइविंग को एक नया आयाम देगी। गूगल कार को एकदम वैसे ही ऑपरेट करने लायक बनाया गया है जैसे कोई इंसान कार को ऑपरेट करता है। इसे चलाकर गूगल ने जो भी अनुभव हासिल किया है उसके आधार पर इसमें और भी कई बदलाव और इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं। गूगल की ओर से कहा गया है कि ऐसा इसलिए संभव हो सका है क्योंकि अब पहले के मुकाबले ज़्यादा बेहतर तकनीक मौजूद है। ऐसी तकनीक जो स्कैन, सेंस, प्रोसेस और रिएक्ट कर सकती है, वो भी सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम समय में। वैसे गूगल अभी इसे सेफ मोड में ही चला रहा है और जाहिर है कि अभी इसे पूरी तरह से एरर फ्री रूप से चलाने में थोड़ा सा समय लगेगा। गूगल ने अब तक इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई डेडलाइन नहीं दी है, ना ही कंपनी की ओर से कोई न्यूज़ आई है कि इसे पब्लिक के लिए कब तक अवेलेबल कर दिया जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल पर विजिट जरूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।